कि आज फिर हमारे पास उपस्थित हुए हैं, तो इनका जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि हमने पहले वीडियो डाला था शर्मा जी और हमने वीडियो पब्लिश किया था कि इंडस्ट्री में हम कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा कि इंडस्ट्री में जो टैप यूज होते हैं, जैसे हम कोई भी कंपोनेंट को ज्वाइंट करने के लिए नट बोल्ट से टाइट करना, तो जो टैपिंग किसी कंपोनेंट में है उसका जो टैप का जो अरेंजमेंट है उसको कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, तो उसकी सिलेक्शन का जो है वो शर्मा जी आज हमको बताएंगे। हाँ जी शर्मा, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज की डिस्कशन टैप्स के रिगार्डिंग है। बहुत से कंपोनेंट्स जो हम बनाते हैं जनरली उसमें कहीं ना कहीं से हमें चोरी डालनी होती है, फटे करनी होती है, बट टैप्स में क्या है कि काफ़ी मिसअंडरस्टूड टूल है, तो इसकी सिलेक्शन में जनरली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जाता और खाली ये देखा जाता है कि ये पिच है और इसको यूज़ कर लेते हैं, चैम्पर लगा के लेकिन यूज़ कर लेते हैं, पर इसमें भी काफ़ी सारे इंटीकेसेस होते हैं। तो टैप्स को अगर हम लोग क्लासीफाई करना चाहें तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर सिलेक्शन हमने कंपोनेंट के हिसाब से करना है तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसका मेटेरियल कंपोनेंट का क्या है। क्योंकि टैप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिप्स किस तरह के जनरेट होते हैं और चिप्स की इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मैटर है। जो चिप्स है वो भी आपको मटेरियल के हिसाब से, चिप्स का कैसा फॉर्म रहेगी वो मटेरियल के हिसाब से आपको सिलेक्शन हो लगता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है टाइप ऑफ होल। तो जो टाइप ऑफ होल है वो थ्रू है या वो ब्लाइंड होल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टैप सिलेक्शन। अगर मैं मटेरियल की बात करता हूँ तो जैसे कास्ट सर्विस में शॉर्ट चेकिंग होती है, बड़े शॉर्ट से चेक होते हैं, तो टैप में जो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम स्ट्रेट थ्रू टैप यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेट थ्रू में क्या है कि वो टैप चिप्स को इवैक्यूएट नहीं कर सकता, तो उसको चिप्स छोटे हैं, चाहे वो ब्लाइंड होल हो चाहे वो थ्रू होल हो, छोटे चिप्स अगर हैं तो वो एकोमोडेट हो जाते हैं उस होल, तो उसके लिए थ्रू होल ब्लाइंड होल के लिए जो स्ट्रेट थ्रू टैप है वो सूटेबल है। वो अब भाई स्लीव में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर होल थ्रू है तो हमारे पास स्ट्रेट थ्रू का ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि एक स्पायरल पॉइंट टैप बोला जाता है, स्पायरल पॉइंट उसमें जो फ्लूड होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, पर उसके जो चैम्पर है उसके ऊपर हल्के से गैलेट्स बनाए होते हैं जिनको स्पायरल पॉइंट्स बोला जाता है। इस टैप को यूज़ किया जाता है थ्रू होल के अंदर। ये क्या करता है कि चिप्स को नीचे की तरफ मूव करता है, ऊपर नहीं लग पाई। जब पारी आती है फिर ब्लाइंड होल की तो उसमें ये फिजिबिलिटी होती ही नहीं स्टील के अंदर, क्योंकि लंबे चिप्स में नीचे देते हैं, अगर आप उसको पुश करोगे स्पायरल पॉइंट आपने लगा दिया तो वो जमा होकर उसको तोड़ देंगे, जैम हो जाएगा, जैम हो जाएगा और टूट जाएगा ठीक है। तो उस चिप्स में हमें स्पायरल टैप में जाना पड़ता है। स्पायरल टैप का ये क्राइटेरिया होता है कि वो चिप्स को उसमें स्पायरल जो कटे हुए हैं वो चिप्स को ऊपर की तरफ इवैक्यूएट करेगा, चिप्स बाहर की तरफ आएंगे। तो ये चीज़ें इस तरीके से इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है टैप का मटेरियल। टैप को अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करता हूँ तो टैप्स HSS के टैप्स में एक M2 के टैप्स हैं, M2 मटेरियल वो बेटर मटेरियल है, उसमें भी बिगनिंग का वो मटेरियल है, बिगनिंग का। फिर जो जनरली यूज़ होता है वो M35 यूज़ होता है। M35 में क्या है, 5% का प्रोवाइड करता है, तो उसमें आपका कंसिस्टेंसी लाइफ कंसिस्टेंट रहती है, अचीव हो जाती है, पैरामीटर्स अचीव हो जाते हैं, उसका रियल ऑफ रेंज जो है ना बेटर है। हाँ, आपके लाइफ में भी पर्टिकुलर लाइफ इन मीटर बेटर अचीव कर, बेटर उसके बाद आता है। तो इसकी लाइफ कितने है, मतलब नॉर्मल टाइप की यदि हम बात करें तो लाइफ कितनी रहती है, यदि हम मीटर में बात करेंगे एक टाइप कितना है। तो अगर मैं कास्ट चरण की बात करता हूँ तो कास्ट चरण में तो टैप कई बार वो क्योंकि बड़ा मटेरियल बड़ा फ्रेंडली मटेरियल है, शॉर्ट चेकिंग में हो जाता है। अगर स्टील की बात करते हैं तो फिर वो आता है कि उसके अंदर हार्डनेस क्या है, अगर नॉर्मल हार्डनेस है तो स्टील में फिर वेरी करता है, जैसे 30-40 मीटर तक आ जाएगी, 25 मीटर तक आ जाएगी, 30 मीटर इस तरीके से मैक्सिमम आपको 40-50 के आसपास की बात है, इतना इतना ईजी की आ जाए। यदि उसका ये हार्डन ग्रेड बता रहे हो सॉफ्ट ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड
हार्डेंड में फिर क्या होता है, कई बार वो 15 मिनट तक भी रहता है। ये जनरलाइजेशन में इस तरीके से हमारे एक्सपीरियंस की बात कर सकते हैं। उसके लिए फिर कोई और ग्रेड बता सकते हो कि वो बेटर परफॉर्म करते हैं। हाँ, लेकिन कॉस्ट वाइज थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ज़्यादा बट कंपोनेंट की बात करें तो वो आपको उसमें भी कम पड़ेगा। करेक्ट। तो इसमें फिर M35 के बाद आता है M42 में क्या होता है कि उसमें वाइट का परसेंटेज बढ़ जाता है, 8 से 10% तक का वाइट जाता है। सो यू गेट बेटर लाइफ ऑन दैट ऐप, लाइफ बेटर हो जाती है। और उसके ऊपर का जो ग्रेड है वो उसको पैरामीटर भी जाते हैं। इसमें आपकी जो लाइफ है और भी बेटर आती है, पैरामीटर और भी हाई चले जाते हैं। कई बार एक बार मैं जो पैरामीटर की जो रेंज है वो PM23 से लेकर 60 तक चली जाती है। तो इनमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है आपको पैरामीटर हाई चाहिए, आप चाहते हो कि इसको टैप की DC बड़ी डिफरेंट होती है बातें। जैसे नॉर्मली हम 100 से 150 की DC की बात करते हैं, टैप में जो DC होती है वो 5 से लेकर 20 तक का जाए 20 तक मैं चीज बैठ पाई की होती है। और इसका फॉर्मूला PM/1000 रहता है, वो पहले हम लोग बात कर चुके हैं। तो फिर उसमें हमें पैरामीटर्स वगैरह और लाइफ अचीव करती है। कई बार क्या होता है कि कंपोनेंट बहुत कॉस्टली कंपोनेंट है, 1000 रुपये की कीमत है, उसका एंड ऑपरेशन टैप है। अगर हमने बाई चांस उसमें सिलेक्शन सबसे टैप की कर लेते हैं, बोलते नहीं हम तो लगा लेते हैं, तो अगर एंड ऑपरेशन पे वो टैप की वजह से रिजेक्ट हो गया कंपोनेंट, तो इट्स वेरी वेरी कॉस्टली वेरी कॉस्ट। इन दैट केस HSCPM जिसे कि भाई इसकी वजह से रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, हमें कॉस्ट मैटर नहीं करते उस चीज़ को। कंपोनेंट खराब नहीं होना चाहिए, हाई प्रोडक्शन है, आपको पता है कि बट लाइक मशीन है तो वहाँ पर कुछ यूज होता है। इसके अलावा फिर बात होती है कि स्टेनलेस स्टील वगैरह में या जहाँ पे LYD 4 से ऊपर चल सकती है वहाँ पर थ्रू कूलिंग टैप ऑफ। LYD का थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देते हैं, लेंथ बाय डायमीटर की जो रेशियो है, जो होल की डेप्थ है और जो डेप्थ जो होल का डायमीटर है, जब उसकी जो रेशियो है वो 4 से ऊपर चली जाए और आपको उसमें प्रॉब्लम महसूस हो, अगर उसे कास्ट आयरन है सही चल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं। बट अगर कहीं स्टेनलेस स्टील है आपको लग रहा है नहीं तो बहुत जल्दी ब्रेकिंग हो रही है और बहुत फास्ट हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि थ्रू कूलेंट डैप भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल, तो इन डैप से डिपेंड होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे चैम्पर होता है, तो ये जो चैम्पर है बेसिकली A से शुरू हो जाता है, मतलब इसके चैम्पर्स के अलग अलग ग्रेड्स हैं। तो जो चैम्पर्स के ग्रेड है इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि आप जब इसको होल करते हो और थ्रेडिंग की लेंथ होती है तो उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है कौन सा चैम्पर सूटेबल है। ये यदि आप टैप देखोगे तो उसका जो फ्रंट का जो पोर्शन है उस पे चैम्पर आप ये कहना चाहते हो कि वो जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि किस मटेरियल में कैसे लगाना है, उसमें भी एंट्री कैसे करें। हाँ, जैसे ब्लाइंड होल है, तो ब्लाइंड होल में हमें पता होता है कि थ्रेडिंग की डेप्थ है अगर 20 है और ड्रिल की डेप्थ अगर फॉर एग्जाम्पल 12 या 14 है, तो उसमें हम लोग फॉर्म ये लगा सकते हैं। फॉर्म में क्या होता है 6 से 8 जो चूड़ियाँ होती हैं वो चूड़ियाँ उसकी मतलब उतने के बराबर उसका चैम्पर का बड़ा चैम्पर होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टैप में जो कटिंग है वो सिर्फ चैम्पर ही करता है, जो बाकी के बने होते हैं थ्रेड्स बने होते हैं वो सारे गाइड करते हैं, गाइड करते हैं, दे आर नॉट कटिंग एनीथिंग, सिर्फ चैम्पर नहीं काटना है। तो अगर हम छोटा चैम्पर बिना वजह यूज़ करेंगे तो लाइफ कम मिलेगी, अगर हम बिना लाइफ बढ़ाने के लिए इन अप्रोप्रिएटली बड़ा चैम्पर लगाते हैं तो फिर वो आपकी टैपिंग डेप्थ अचीव नहीं होगी, पहले बिस्तर जाएगा या तो उगेगा वो उतना, क्योंकि जितनी चैम्पर ज़्यादा होगा वो नीचे तक जाएगा जा नहीं पाएगा, उसको पोस्ट करेंगे वो टूटेगा। तो फॉर्म ए में जैसे 6 से 8 थ्रेड्स का चैम्पर होता है, ठीक है। फॉर्म बी की बात करें तो 5.5 होता है, फॉर्म सी की बात करें तो 2 से 3, और जो डी होता है डी में और भी कम हो जाता है, एफ में फाइनली 1 चूड़ी तक चला जाता है, 1.5 चूड़ी तक होता है। मतलब ये जो ए कैटेगरी है उसमें चैम्पर जो होता है मैक्सिमम होगा, अभी हम वो थ्रू होल के लिए यूज़ करते हैं, वो थ्रू होल के लिए करते हैं या यहाँ बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत ज़्यादा गैप है पता है मतलब यार मान लो कि डेप्थ जो होल की डेप्थ है वो 50 है, वहाँ आपने 35 mm तक जो थ्रेड करना है, तो उसके इसमें वो सामने आपको हमें नहीं लगा सकते। बिल्कुल, जैसे ब्लाइंड होल है आपको फुल थ्रेड चाहिए तो उसके इसमें हमें अच्छा डायरेक्टली जाना पड़ेगा। तो इससे कई बार ना इस चीज़ की अनअवेयरनेस की वजह से क्लाइंट क्या करता है कि उसने फॉर्म
से 2 mm का गैप है और उसने फॉर्म सी लगा दिया, तो उसने कहा बेटी का जो है पत्तियाँ बना देते हैं, बाकी का फिर मैनुअल ऑपरेशन रहेगा, बाद में फिर ट्यूमरी लग के उसको आपने छोटी मैनुअली घुमाई जाएगी। तो रीबर्थ है ना, रीबर्थ को टोटली वेस्ट है, उसके लिए कस्टमर पे करने के लिए तैयार हूँ। तो आज की डेट में वैसे ही सेल्फ इतना है कि हमें सोचना पड़ रहा है कि इंडस्ट्री में जब काम करने आ तो कैसे सर्वाइव कर लेना। तो वैसे तो वैसे तो ये बेसिक है। तो शर्मा जी आ जाए, आपने अच्छा बताया कि जैक को कैसे सिलेक्ट करना है। तो कोई और कोई इंडस्ट्री की कोई आप शेयर करना चाहो? बेसिकली तो थीम जो हमने अभी डिस्कस करा है पर्टिकुलरली ये है कि प्रोडक्शन का डाउन, तो वी कैन लुक अप ऑन आर प्रोसेसेस, दोबारा रीलुक कर सकते हैं उसको, और उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनके ऊपर हम बतौर करें। तो शर्मा जी थैंक यू, थैंक आयो, थैंक यू सो मच। तो यदि आप चाहते हो कि शर्मा जी के साथ आप कंसल्ट करना चाहते हो तो इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप इनको कॉल कर सकते हो। यदि आप कॉल करते हो तो आपकी डेफिनेटली ये आपको वैल्यू एड करके देंगे आपके प्रोसेस में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, शर्मा जी फिर आएंगे तो हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए दी इजाज़त, नमस्कार, सत श्री अकाल।